जय श्री राम। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर अपमानित करते हुए भगा दिया। विभीषण जी ने राम जी के शरणागत होने के लिए रामदल में आ गए। हनुमान जी ने लंका में चार नीतियों का प्रयोग किया, साम, दाम, दंड और भेद। नीतिकार कहते हैं कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इन चारों नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी ने सबसे पहले रावण के समक्ष साम नीति का प्रयोग किया। साम नीति से आशय, विनय, प्रार्थना, नम्रता पूर्वक अपनी बात को कहना। और हनुमान जी ने सर्वप्रथम रावण से इसी तरह विनयपूर्वक प्रार्थना करते हुए यह बात कही थी, किंतु रावण पर हनुमान जी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हनुमान जी महाराज ने दाम नीति का प्रयोग किया। दाम नीति से आशय, कुछ लेकर देकर, लालच देकर बात को निपटाना। हनुमान जी ने रावण को भी यह लालच दिया कि तुम राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो और निश्चय होकर लंका का राज्य करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इस तरह हनुमान जी ने रावण को लालच दिया था, किंतु रावण तो वैभव संपन्न था, उसके ऊपर लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी की इस नीति का रावण के सामने कोई काम नहीं आई ये नीति। अब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति से आशय है डरा धमका कर, भय दिखाकर अपनी बात को मनवाना। हनुमान जी ने रावण के समक्ष दंड नीति का प्रयोग किया, उसे चमकाया और कहा कि रावण, राम जी का विरोध करने पर तुझे कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर भी तेरी रक्षा नहीं करेंगे, तुम राम जी को क्या समझते हो? हनुमान जी कहते हैं, रावण, तुम्हें भगवान शंकर पर भरोसा है तो सुन ले, एक शंकर भगवान तो क्या, कई हजार शंकर भगवान भी राम जी के विरोधी होने पर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। रावण पर हनुमान जी की दंड नीति का प्रयोग भी नहीं चला। अंत में हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया था। भेद नीति से आशय है फूट डाल लेना, और हनुमान जी ने वही किया, रावण और विभीषण के बीच फूट डालने का काम कर दिया। हनुमान जी जानते थे कि जब तक विभीषण रावण की शरण में है तब तक भगवान रावण का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है अपने भक्त की शरण में रहने वाले दुष्ट पर भी भगवान दया करते हैं। इसलिए हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग करके विभीषण को रावण से अलग करने का काम किया। विभीषण की कुटिया को छोड़कर वहाँ सब जगह आग लगा दी। ये प्रसंग आता है, हनुमान जी की यह भेद नीति काम आ गई। रावण को लगा कि अवश्य मेरा भाई शत्रु से मिला हुआ है। इसी शंका से उसने विभीषण को लात मार के भगा दिया था। विभीषण जी ने राम जी के शरण में आ रहे हैं, इसके आगे की पोस्ट में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। जय श्री राम।